खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, आपको बताना चाहेंगे रायपुर से बड़ी खबर। प्रियंका वाड्रा के बस्ता दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने बयान दिया। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहा कांग्रेस ने आदिवासियों से आरक्षण और रोजगार छीना। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, धर्म और संस्कृति भी छीनने पर आमदा कांग्रेस, देवलाल ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बड़ी खबर रायपुर से, प्रियंका वाड्रा के बस्ता दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने बयान दिया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के बस्ता दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने आदिवासियों से आरक्षण और रोजगार छीना। कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा का बस्तर दौरा, कांग्रेस की सरकार अब आदिवासियों से और क्या छीनना चाहती है? आदिवासियों का आरक्षण तो पहले ही कांग्रेस ने छीन लिया है, अब उसके धर्म एवं संस्कृति छीनने पर कांग्रेस की सरकार आमादा है। कहीं न कहीं वाड्रा के इस दौरे से धर्मांतरित मतांतरित करने वालों को बल मिलेगा। ये आदिवासी समाज के लिए चिंतन का विषय है और आदिवासी समाज को इस बात की चिंता अवश्य करनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आदिवासियों के विकास को दिखाने के लिए वाड्रा को बुला रहा है। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि बस्तर वनांचल क्षेत्र में जो आदिवासियों के पैसे जमे थे, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के करीब 900 करोड़ रुपया, उस 900 करोड़ में आप 700 करोड़ रुपया अपने पाटन विधानसभा में ले गए। जो संयंत्र सुकमा बीजापुर कांकेर नारायणपुर में लगने थे, आदिवासियों के बच्चों को जहां रोजी रोजगार मिलता, उस रोजी रोजगार को छीनकर, उनके हक को छीनकर, उनके मुंह से निवाला छीनकर आप पाटन विधानसभा में एम जाम गांव सहित अपने विधानसभा में खर्च कर डाली राशि। इस बात के लिए आपको आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराना चाहिए कि कांग्रेस कैसे आदिवासियों का शोषण कर रही है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका वाड्रा के बस्ता दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। धर्म और संस्कृति छीनने पर आमादा कांग्रेस, देवलाल ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है।